वाह, बहुत बढ़िया खाना था मिमिक्री भाई, मजा आ गया। मिमिक्री सात दिन सात रात ना रुकेगी मेरी लात, चलाता रहेगा पैडल, गोलमाल पहिए की है साइकिल। ये कौन सा खेल है? खेल है दिलवालों का, सात दिन सात रात बिना रुके साइकिल चला सकता हूँ मैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ये चैलेंज है झबरू का। ओ गुरु, चुनौती है तो मंजिलें हैं, और मंजिलें हैं तो हौसले हैं, और हौसले हैं तो ओ चिड़िया के घोंसले हैं। हाँ, चिड़िया के घोंसले हैं। ठोको ताली, ठोको। देखा कितना दिलदार है, जबरदस्ती खिला रहा है, ये बिल में मत जोड़ना। ओ गुरु, वैसे भी आपने कौन सा बिल चुकाना है? वही बिना रुके सात दिन सात रात साइकिल चलाओगे, ये तो अजूबा है जिसको देखने के लिए लोग टिकट खरीद सकते हैं। एक मिनट, ये लो 10 रुपए, हम दोनों की पार्टनरशिप, दोनों मिलकर शो करते हैं, फायदा 50-50 लेंगे। तुम कमाल करना, मैं धमाल करूंगा। बल्ले बल्ले। ओ जी, ये रही आपके लिए आखिरी टिकट, शो हाउसफुल हो गया जी। अरे हाउसफुल हो गया तो क्या, कस्टमर को वापस नहीं भेजना चाहिए, आधे दाम में दे दो, खड़े होके शो देख लेंगे। दुनिया का आठवां अजूबा, लगातार घूमेगा साइकिल का पहिया। ओ जी, शुरू करो शो, बिक गई सारी टिकट्स। ओ जी, इंतजार की घड़ियां खत्म और खेल शुरू। इस वैन में यो खाली मार हीरा सुरक्षित से, अब हमें इसे सही सलामत टाउन हॉल के डायमंड एग्जीबिशन तक ले जाना है। बहादुर, तुम हमारी जीप को फॉलो करो, पर सबसे पहले मुझे मेरा मेकअप ठीक करना होगा। रब बावड़ी पूंछ भैंस की पूंछ, जब देखो तब मेरा मेकअप खराब करता रहता है। जल्दी कर भतीजे, देरी हो रही है। फिक्र मत कीजिए बंदूकनी जी, इन टायर्स पर चीते की निशानी है, समझ लो चीते की तेजी से हमें टाउन हॉल पहुंचा देगी ये वैन। जल्द ही इस खाली मार हीरे को लेके मैं रफू चक्कर हो जाऊंगा, जंगल में नाश्ता मोर और शहर में चालाक चोर किसी के पकड़ में नहीं आता। अरे ये किसने बीच रास्ते में रुकावट डाल दिया, कोई है यहाँ? रास्ता क्लियर करने के लिए थैंक यू भाई साहब। मेंशन नोट जी, ये तो मेरा फर्ज था। रकार है गया तू बहादुर जी, अभी आया मैडम जी। पेश है खाली मार हीरा। रे गो
हीरा अंडा कैसे बन गया? अरे बहादुर, तेरे वैन से कोई हीरा चुरा ले गया और तुझे पता भी नहीं चला। बंदूकनी जी, इस वैन के टायर पर चीते का निशान नहीं है, मतलब सिर्फ हीरा चोरी नहीं हुआ, हीरे की पूरी वैन चोरी हो गई है। अब क्या करे भतीजे? बंदूकनी जी, चोर ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अभी के अभी शहर से बाहर जाने वाले सारे रास्तों पर नाकाबंदी लगा दीजिए, चोर फंटूश नगर से बाहर नहीं जा पाएगा। जिसके नसीब में जितना है उसको उतना ही मिलेगा। हाथ ऊपर कर लो, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। ढोलकी क्रेन शुरू करो। अब क्या हो गया? ओए क्या हो गया? इतना अलार्म बजा फिर भी तेरी नींद ना खुली है? अरे बहादुर, जरा देख तो इतनी रात गए किसने बंदूकनी को जगाया से? मैडम जी, एटीएम मशीन के यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। परवाने के नाम पे कुछ दे दे, तुम एक रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। दे 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 दे। ये सारा चिल्लर ले लो, पर मुझे जाने दो। चिंचे, यहाँ हमने पूरा का पूरा एटीएम मशीन लूटा है और आप वहाँ भीख मांग रहे हो। एटीएम मशीन खोलने की चाबी मिल गई। इतनी रात गए, पैसों की क्या जरूरत पड़ गई पल्ला जी? अगर मैंने बिजली का बिल नहीं भरा तो मुझे फाइन लग जाएगा। भल्ला फाइन क्यों भरे, आ पैसे का पेड़ पर उगते हैं। ये दोनों कहां से आ गए? इससे पहले कि इन्हें शक हो एटीएम मशीन को नीचे रख देता हूँ। ओए क्या कर रहा है? अरे ये एटीएम मशीन बाहर रोड पर कैसे आ गई? वो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है पल्ला जी, हम मशीन तक पहुंचे उससे पहले मशीन ही हम तक पहुंच जाती है। अब ये बताओ कितने रुपए निकालने हैं? पूरे 10 रुपए हैं। 10 रुपए? वो 10 रुपए के लिए रात को इतनी कसरत करा दी। Yes! आखिर मैंने बना ही लिया मेरा आज तक का सबसे बड़ा आविष्कार, गायब होने की दवा। जो इस टैबलेट को खाएगा वो गायब हो जाएगा। चिच्चे, मैंने कहा था ना खोजी पर नजर रखते हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीजें बनाता रहता है। और अब ये गायब होने की दवा जिससे हमारी सारी तकलीफें गायब हो जाएंगी। सोचो अगर हम गायब हो गए तो क्या क्या कर सकते हैं? हम लोगों की आंखों के सामने से उनका सामान चुरा लेंगे और वो हमें पकड़ नहीं पाएंगे। ढोलकी, जल्दी से इसे गटक ले। ये तो करेले से भी कड़वा था। पर जिंजे, मैं तो आपको देख सकता हूँ, लगता है ये दवा काम नहीं कर रही। हाँ, मैं भी तुझे देख सकता हूँ ढोलकी। खोजी, मैंने कहा खोजी जी, ऐसी क्या चीज है जो आप हमें दिखाने के लिए इतने उतावले हो रहे हो? तुमने देखा ये लोग यहाँ से गुजरे
और उन्हें हम दिखाई नहीं दिए, यानी कि हम गायब हैं। हाँ जिज्जे, इसका मतलब है हम एक दूसरे को देख सकते हैं, पर कोई हमें नहीं देख सकता। अरे बलवंत मारो मत, मैं बता रहा हूँ। कहाँ गई कहाँ गई? अरे अरे यही तो रखी थी, कहाँ चली गई? खोजी अंकल, आप क्या ढूंढ रहे हो? मैंने ऐसी टैबलेट्स बनाई थी जो लोगों को गायब कर दे। लो, और अब वो टैबलेट ही गायब है। चोरी करने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी हमें। अरे अरे मेरे पैसों का पाउच। बैग, वो भी हवा में उड़ रहा है।